And I'm thankful to Deshdoot to nominate me into the Karmayogini plan that they have made, where they have selected that 4 from each area, each category. Yes, Karmayogini ka matlab to zarur ye hota hai ki jo alag type ka ek karm karta hai, alag type ki alag cheeze karta hai. For a moment main soch rahi thi ki mujhe kyun select kiya gaya hai, it is a very different thing, but then jab maine apne principal se baat kiya to we realized that हमारे पास इस तरह का भी इंक्लूसिव एजुकेशन है हमारे स्कूल में, जो कि जो बच्चे थोड़े लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं तो हमारे पास उनके लिए हर एक रास्ता है स्कूल के अंदर ही. वी डोंट लेट देम आउट, वी डोंट टेल देम के यू लीव नाउ दैट यू कांट स्टडी. वी फाइंड वेज, वी गेट प्रोविजंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे गेट प्रोविजंस द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो टू गेट अ रीडर राइटर. आज हर हमारा बच्चा इतना कॉन्फिडेंटली 10th एंड 12th ग्रेड पास करता है, भले उसको रीडिंग राइटिंग नहीं जमता है, भले वो डिसलेक्टिक हो, भले डिसग्राफिया हो, भले वो स्लो लर्नर हो, तो हम इन सब बच्चों को हमारे स्कूल में अकोमोडेट करते हैं. वी ऑल्सो हैव ऑटिस्टिक एंड ADHD चिल्ड्रन. सो उस हिसाब से फिर हम सोचते हैं कि हाँ, इन्होंने जो सिलेक्ट किया है शायद यही सब चीज़ें ध्यान में रख के किया होगा. बट इट इज़ अ वेरी गुड समथिंग, वेरी डिफरेंट, ये कभी मैंने सोचा नहीं. इस वजह से क्या हुआ, जो 10 कैटेगरीज में हम सब लोगों को देख रहे थे, जितने इन्होंने हर कैटेगरी में चार चार लोग चुने हैं, तो आप जब उनके इसमें प्रोफाइल में जाके उनके बारे में जानते हो, इस वजह से एटलीस्ट पूरे नासिक शहर को, अहमदनगर जहाँ जहाँ इनके पेपर्स जाते हैं, उन सब लोगों को पता तो चला कि ये सब लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं. आज विमेन एम्पावरमेंट हम सब बोलते हैं, वो विमेन अपने आप में एम्पावर होती रहती है, बट कौन इतना अच्छी तरह से सबको बताता है, हर एक के बारे में बताता है. इट इज़ नॉट दैट व्हाट वोट्स दे गेट, इट इज़ नॉट दैट हु विंस और हु लूजेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आज वो कुछ इस सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ये सब आज जानते हैं, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक दे हैव डन देयर बेस्ट बाय प्रमोटिंग दिस फॉर द विमेन टुडे. So thank you, Deshdoot, for calling us and making us a part of this.